ऑल ब्लैक अमेरिकन नेबरहुड के आसपास ड्राइविंग। वीडियो नंबर 17, 7 का भाग 1। मेरे सभी वीडियो का अंग्रेजी से अनुवाद किया गया है। सभी अनुवाद सॉफ्टवेयर केवल 80% सटीक हैं, इसलिए किसी भी गलती के लिए खेद है। मैंने इस वीडियो को 7 भागों में विभाजित किया है। अगर मैं नहीं होता तो यह वीडियो 2 घंटे से अधिक लंबा होता। पहला हिस्सा, मैं एक काले अमेरिकी पड़ोस में अपना कैमरा स्थापित कर रहा हूँ। बहुत से लोग सोचते हैं कि सभी काले अमेरिकी पड़ोस खतरनाक हैं। वो नहीं हैं। हालांकि हर शहर के अपने बुरे हिस्से होते हैं। भविष्य में मैं सभी अश्वेत अमेरिकी पड़ोस को दिखाते हुए वीडियो बनाऊंगा जो गरीब से लेकर अमीर तक हैं। हालांकि अगर आप देखना चाहते हैं कि वे अभी कैसे दिखते हैं, तो 1 से 15 वीडियो देखें। वीडियो 1 से 15 में मैं निम्नलिखित विषयों पर बात करता हूँ। मैं इस बारे में बात करता हूँ कि कैसे अमेरिका में अश्वेत लोग मध्यम वर्ग में जाने में सक्षम हुए, कैसे मेरा परिवार मध्यम वर्ग में प्रवेश कर पाया, काले समुदाय में त्वचा का रंग, ब्लैक अमेरिकन कम्युनिटीज में बंदूकें और स्कूल की गोलीबारी, ट्रंप कैसे चुने गए, अमेरिका में जातिवाद। मैंने पहली बार इन शब्द सुना। ब्लैक कम्युनिटी में ड्रग्स, अमेरिका में शिक्षा और खेल को लेकर नस्लवाद, अमेरिका अमीर और शक्तिशाली क्यों है, क्योंकि हम सब एक लोग हैं, कैसे काले अमेरिकी पुरुषों को उठाया जाता है, एकल माँ और एक महिला में काले पुरुष क्या चाहते हैं, क्यों अमेरिकी पुरुष दूसरे देशों में महिलाओं की तलाश करते हैं, एक महिला के शरीर की गिनती, एक महिला के कितने भागीदार हैं और यह पुरुषों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों एक सेलबोट पर रहना जीने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है और एक सेलबोट पर रहने की लागत। पहले टायरोन के बारे में एक मजेदार वीडियो। मेरे विदेशी दर्शकों के लिए टायरोन और 4 पुरुषों की एक श्रेणी है जिसे लोग उच्च मूल्य वाले पुरुष मानते हैं। वे दिखने में सुंदर हैं, उनके पास बहुत पैसा है और ज्यादातर महिलाएं चाहती हैं। साथ ही मैं इस बारे में बात करता हूं कि आप इस प्रश्न का उत्तर कैसे दें कि आप मेज पर क्या लाते हैं या आपको क्या पेशकश करनी है। कई अमेरिकी महिलाएं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती हैं या यह नहीं जानती हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर कैसे दिया जाए। इसके बाद मैं चिकित्सा केंद्र से आगे बढ़ता हूँ और यह बड़ा है। आप बाई ओर जो इमारतें देख रहे हैं वे 2 8-मंजिला पार्किंग स्थल हैं। हालांकि आप केवल इन पार्किंग स्थल के कुछ हिस्सों को ही देखते हैं, साथ ही आप उनके किसी एक चिकित्सा केंद्र का पिछला भाग देखते हैं। आप 3 अस्पताल या अन्य चिकित्सा केंद्र नहीं देखते हैं। यह चिकित्सा केंद्र 8 मंजिला है और अस्पताल बड़े हैं। मैं फिर पड़ोस के चारों ओर राजमार्ग के लिए ड्राइव करता हूँ। दूसरा वीडियो, मैं राजमार्ग को शहर में चला रहा हूँ। वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका हमारी सभी सड़कों पुलों और हमारी जल व्यवस्था को फिर से तैयार कर रहा है, इसलिए बहुत निर्माण हो रहा है। वीडियो नंबर 3, मैं रिवर नॉर्थ नामक क्षेत्र में गाड़ी चला रहा हूँ। निर्माण के कारण उन्होंने सभी प्रवेश बिंदुओं को शहर में बंद कर दिया, इसलिए मुझे शहर के पिछले हिस्से में ड्राइव करना पड़ा और फिर दक्षिण में शहर में वापस जाना पड़ा। नदी उत्तर एक बहुत अच्छा क्षेत्र है, लेकिन आपको यह देखने के लिए चलना होगा कि यह कितना अच्छा है। तो मैं नदी उत्तर क्षेत्र पर एक चलने वाला वीडियो करूँगा। उत्तर नदी के आसपास ड्राइविंग आपको यह नहीं दिखाती है कि यह कितना अच्छा है, क्योंकि अच्छा हिस्सा नदी पर है। वीडियो नंबर 4, मैं डाउनटाउन शिकागो के आसपास गाड़ी चला रहा हूँ। डाउनटाउन शिकागो ज्यादातर कार्यालय की इमारतें हैं और चूंकि मैं शनिवार की दोपहर को गाड़ी चला रहा हूँ, इसलिए आपको बहुत सारे लोग नहीं दिखाई देते हैं।
डाउनटाउन शिकागो क्षेत्र एक बड़े विशाल पुल पर बना है। मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा क्या मतलब है। न्यूयॉर्क में सेंट्रल पार्क है और शिकागो में मिलेनियम पार्क है। मिलेनियम पार्क को कभी ग्रांट पार्क कहा जाता था। मुझे नहीं पता कि उन्होंने नाम क्यों बदल दिया। मिलेनियम पार्क भी एक बड़े विशाल पुल पर बना है और यह शिकागो शहर का हिस्सा है। नीली बाइक चलाने वाले सभी लोग किराए की बाइक हैं। वे पूरे शिकागो में हैं। आप घंटे, दिन, सप्ताह या महीने के हिसाब से बाइक किराए पर ले सकते हैं। आप एक स्थान पर बाइक प्राप्त कर सकते हैं, इसे दूसरे स्थान पर चला सकते हैं और उस स्थान पर छोड़ सकते हैं। शिकागो ने बाइक किराए पर लेना बहुत आसान और सुविधाजनक बना दिया है और यही कारण है कि आप बहुत से लोगों को इन बाइक्स की सवारी करते हुए देखते हैं। वीडियो नंबर 5। मैं स्ट्रीटरविले नामक क्षेत्र के आसपास गाड़ी चला रहा हूँ। स्ट्रीटरविले ज्यादातर खरीदारी, आवासीय अपार्टमेंट भवन, नाइट क्लब और रेस्तरां हैं। स्ट्रीटरविले घूमने और अच्छा समय बिताने के लिए एक बेहतरीन जगह है, इसलिए मैं शिकागो में स्ट्रीटरविल, मिलेनियम पार्क और कई अन्य साइटों पर एक वीडियो बनाऊंगा। कुछ जगहें ऐसी होंगी जहां पर्यटक और कुछ शिकागो में रहने वाले कभी नहीं जाते। भिखारियों को पैसे न दें क्योंकि वे शायद आपसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। शिकागो में बहुत सारे पेशेवर भिखारी हैं। वीडियो नंबर 6। मैं गोल्ड कोस्ट नामक क्षेत्र के आसपास गाड़ी चला रहा हूँ। इसमें बहुत सारे उच्च अंत आवासीय अपार्टमेंट भवन हैं। यह उन क्षेत्रों में से एक है जहां बहुत से लोग जिनके पास पैसा है वे रहते हैं। वीडियो नंबर 7। मैं दक्षिण में झील किनारे ड्राइव कर रहा हूं। अगर आप झील को देखेंगे तो आपको बहुत सारी नावें दिखाई देंगी। दिन में हो या रात में झील पर घूमने का मजा ही कुछ और है। मैं लेक फ्रंट के बारे में एक वीडियो बना सकता हूँ। हालांकि झील के किनारे इतने लोग हो सकते हैं कि कभी भी एमआईएस में पार्किंग ढूंढना मुश्किल है, यहां तक कि पार्किंग स्थल में भी।
कृपया सदस्यता लें, क्लिक करें। धन्यवाद।